नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। और जैसे आप सभी को पता है कि इस वर्ष के मेंस के लिए जो डेट है वो आ चुका है और मेंस की जो आपकी जो परीक्षाएं जो होनी है वो 15th ऑफ जून से शुरू हो रही है। और इसी कड़ी में कंपटीशन कम्युनिटी आप सभी के लिए कुछ स्पेशल लेकर आ रहा है। और इस बार जो हम लेकर आ रहे हैं वो है CGPSC क्रैश कोर्स गाइडेंस प्रोग्राम फॉर द मेंस ओनली, है ना। मतलब मेंस का जो पेपर होगा उसमें किस प्रकार से हम आंसर राइटिंग करें, कैसे हम अपने जो जितनी चीजें हमने पढ़ रखी हैं उसको हम आंसर तक कैसे पहुंचा पाए, कैसे हम उसको वर्ड में शब्दों में परिवर्तित कर पाए, तो इसके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है। और इसकी आगे की जो जानकारी है वो गणेश सर आपको यहां पर बताने वाले हैं। तो सर प्लीज आप मुझे बताएंगे स्टूडेंट्स को कि ये जो क्लासेस शुरू होने वाली हैं वो कहां कहां पर हमारे कौन कौन से सेंटर्स पर शुरू हो रही हैं। जी सर, देखिए इस कार्यक्रम का हमने इस कोर्स का नाम रखा है CGPSC मेंस गाइडेंस क्रैश कोर्स, जो कि बिलासपुर साथ ही साथ रायपुर में आयोजित होगी। ध्यान रखिएगा ये एक्चुअली में ऑफलाइन मोड पे है जो कि बिलासपुर और रायपुर में रहेगा, साथ ही साथ इसको हम लोग ऑनलाइन में भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जो बच्चे यहाँ नहीं आ सकते हैं, मान लीजिए वो दूर में रहते हैं, दूर शहरों में रहते हैं लेकिन वो यहाँ पर सक्षम नहीं है आने के लिए, तो वो ऐसे बच्चे भी आके यहाँ पर या अपने ऑनलाइन मोड पे अपने कोर्स को देख सकते, मतलब देख सकते हैं। बिल्कुल सर, सर मेरा एक सवाल ये है कि जैसे ऑनलाइन वो देख रहा है तो सर कुछ बच्चे रहते हैं कि लाइव वो देखना चाहते हैं, तो सर हम लाइव दे रहे हैं रिकॉर्ड दे रहे हैं? ये लाइव भी रहेगा सर, और ये जो कार्यक्रम है जो लाइव आप बच्चे देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर बिलासपुर में मैं बता दूं कि ये जो क्लासेस है दोपहर 11 बजे से 2 बजे तक के बीच में रहेगा बिलासपुर की क्लासेस, साथ ही साथ जो रायपुर की क्लासेस है वो 5 से 8 बजे शाम को रहेगा। तो ये लाइव भी चलेगा और रिकॉर्डेड भी रहेगा, उनके एप्लीकेशन में ये उनको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी ये चीजें मिल जाएंगी। बिल्कुल सर, मेरा ये पूछना है कि अभी चूंकि बहुत कम समय है तो सर क्या बच्चे इसको अफोर्ड कर पाएगा, मतलब हमने फी क्या रखा है इनके लिए ताकि वो उनको अफोर्ड कर सके? देखिए सर, जो बच्चे हैं प्रीलिम्स में तैयारी कर चुके हैं, जिनका प्रीलिम्स में नंबर जिन्होंने एनालिसिस कर लिया था कि उनका होने वाला या हो सकता है, उन्होंने अपनी तैयारी को चालू रखा, ये मान के चले कि उनकी तैयारी है, बिल्कुल बस उसको अंतिम जो गाइडेंस है उनकी सबसे ज्यादा उनको, हाँ ये एक महीने में यही चीजें हैं, बच्चों को तो सब चीजें पता है लेकिन वो जो है ब्लैकआउट हो जाता है लास्ट समय में, ठीक है। तो हम लोग ये कार्यक्रम इसीलिए ला रहे हैं कि बच्चे जो है यहाँ पर लिखे, अभ्यास करें और लगभग जैसे कि एक ही प्रश्न होता है वो उसी को 2 नंबर में, 4 नंबर में या उससे बड़े नंबर में, ठीक है, किस तरीके से फ्रेम आउट कर सके। एक्चुअली क्या है कि कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, करेक्ट करेक्ट, सब्जेक्ट से वेरी करता है, जैसे ज्योग्राफी में हमको डायग्राम पुट करने रहते हैं, फ्लो चार्ट पुट करने रहते हैं, हाँ तो ऐसे कुछ कुछ सब्जेक्ट है जहाँ पर इन चीजों की ज्यादा डिमांड है। सर इस बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ, जैसे आप फिलोसफी एंड सोशियोलॉजी भी पढ़ाते तो वहाँ पर सर कई बार मैंने खुद देखा है कुछ ऐसे क्वेश्चन है जैसे AJR को उन्होंने पूछ दिया, मतलब सर लगता है कि हम 2 मार्क्स के लायक लिख पाएंगे 4-5, लेकिन वो 8 नंबर के लायक पूछता है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे जो हैं उन छोटे छोटे क्वेश्चन जिसको बड़े बना सकें और बड़े क्वेश्चन जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकें उसका बहुत ज्यादा यहाँ पर उनको फायदा मिलने वाला है। हाँ सर, ये देखिए क्या है, फिलोसफी जो है और सोशियोलॉजी, यहाँ पर बच्चे जो है केवल कंटेंट लिखते हैं, यहाँ पर भी अगर हम की पॉइंट्स डायग्राम जो कि अगर हम लिखते हुए चलें तो ज्यादा अच्छे से नंबर आने की प्रायिकता रहेगी, पॉसिबिलिटी रहेगी। अब यहाँ पर मैं फी बता देता हूँ सर, सबसे इम्पोर्टेंट बच्चे वही जानना चाहते हैं। यहाँ जो फी रहेगा जो ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन रहेगा, ध्यान रखिएगा वो रहेगा 1499 रुपए इंक्लूडिंग GST। और जो बच्चे जो ऑफलाइन नहीं आना चाहते हैं, जो ऑनलाइन ही जिनको मतलब जिनको ऑनलाइन ही चाहिए क्लास, हाँ उनके लिए रहेगा 1100 रुपए, तो 1100 रुपए, 1100 रुपए, तो 1100 रुपए में ये रहेगा, वो अपने घर से ही उसी क्लास को देख सकते हैं। ऑफलाइन आने का फायदा ये रहेगा कि आप जो प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं वो व्यवहारिक स्तर पे कर लेंगे और तुरंत अपने डाउट भी वहीं पर, हाँ तुरंत भी अपने डाउट पूछ सकते हैं जो फैकल्टी है, कंसर्न फैकल्टी है। तो इस तरीके से इस कार्यक्रम को अपन संचालित करेंगे। ये जो 3 घंटे की अवधि रहेगी क्लास की, यहाँ पर हम प्रयास करेंगे कि 2 से 3 सब्जेक्ट अलग अलग विषयों को यहाँ पर आपको बताया जाए, ठीक, आपको गाइडेंस दिया जाए, मतलब विद इन मंथ हम सर पूरा सब्जेक्ट जो मेंस के हैं वो कंप्लीट यहाँ पर करने वाले हैं। हाँ सर, बस वही है, जैसे कि अपन थ्रू आउट एक बार ओवरलुक करते हैं सिलेबस को, उसी प्रकार से थ्रू आउट पूरे सिलेबस को एक बार हमको आराम से आपके सामने आपके नजरों के सामने से गुजारना है, ठीक है। बाकी चीजें तो बच्चे जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम यही जान रहे हैं कि आप पढ़ चुके हैं, आप तैयारी कर रहे थे, बस अंतिम समय में आपको फ्रेमिंग करने का कि अपने अपनी आंसर राइटिंग को कैसे फ्रेमिंग करें, लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए। कि कभी-कभी हम लोग क्या सर बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं हम लोग लिखना चालू कर देते हैं या बच्चे जो है डायरेक्ट लिखना चालू कर देते हैं, वो एक फ्लो में नहीं रहता, कम से कम हम भूमिका बनाएं उसमें, है ना, उसके कंक्लूजन क्या है, वो सारी चीजें लिखें। कुछ चीजें हैं जो हमको फॉलो करते हुए आना चाहिए या फॉलो करते रहना चाहिए, ऐसा करने से नंबर जो है हमको दूसरे बच्चों की अपेक्षा ज्यादा कहीं ना कहीं ज्यादा मिलेगा। और सर मुझे ऐसा लगता है कि 1400 का नंबर अगर हो रहा है या फिर मैं यूं कहूं 7 पेपर्स में सब में अगर 2-200 का अगर लेके चलूं, अगर प्रत्येक पेपर में अगर 20 नंबर भी एक्स्ट्रा लेके आते हैं, मतलब अगर सर हम एक एक क्वेश्चन का बाइफर्केट करते चलें,
नंबर, आधा नंबर, दो नंबर, हर पेपर में अगर 20 नंबर भी एक्स्ट्रा अगर लाते चलते तो सर कहीं ना कहीं अगर 100 नंबर का डिफरेंस आता है तो बहुत बड़ा वो डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है कि उनको रैंक लगेगा नहीं लगेगा। बस सर, ये वही है, बूस्टर कोर्स है। बिल्कुल एग्जैक्ट, आपकी क्षमता है, हम मान रहे हैं जो भी नंबर लाने की। जी जी ठीक, आप ये मान के चलिए कि अगर आप इस क्लास को अटेंड करेंगे तो कुछ नंबर तो आपको बढ़ेंगे ही। डेफिनेटली इस बात के नहीं बढ़ेंगे कि आपको कंटेंट हमने ज्यादा बता दिया, ऐसा नहीं। आपको वो कंटेंट पता था, उस कंटेंट को आपने अच्छे से रिप्रेजेंट कर दिया। करेक्ट, ठीक है। और एक और चीज है कि जो टाइम लिमिट में रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट तो किया जाता है, बहुत बड़ा फैक्टर होता है टाइम लिमिट में। बहुत सारे बच्चों की ये कंप्लेन होता है कि सर अपने आखिरी प्रश्न तक नहीं पहुंच पाए, तो हम प्रयास करेंगे कि आपको यहाँ पर ऐसा टेस्ट के माध्यम से भी हम टेस्ट भी लेंगे और इसमें आपको एक विद इन लिमिटेड टाइम में वो सारी चीजों कंप्लीट करने का हम प्रयास करेंगे। तो इन्हीं फीचर्स के साथ हम इस क्लास को चालू कर रहे हैं, आप जल्दी से जल्दी जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। जी तो सर मुझे एक चीज और पूछना था कि इसकी जो वैलिडिटी है वो कब तक होनी है? देखिए सर, जो 15 से पेपर है लेकिन ऑनलाइन बोर्ड पे हम इसको 18 जून तक अवेलेबल करा रहे हैं कि अगर कोई बच्चा जो है बीच में और देखना चाहे, हाँ एग्जाम वाले दिन भी देखना चाहे, हाँ तो वो देख सकता है। तो 18 जब तक पेपर है तब तक उनकी जो ये इस वर्ष का जो पेपर है तब तक, हाँ ये मान सकते हैं 18 तारीख तक हम इन चीजों को अवेलेबल करा रहे हैं। साथ ही साथ हम सर बच्चों को यहाँ पर फ्री लाइब्रेरी भी दे रहे हैं, जब तक उनका एग्जाम रहेगा वो क्लास करें, जो चीजें सीख रहे हैं, जो चीजें जान रहे हैं, लाइब्रेरी भी है साथ में, वहां पर जाके पढ़ते रहे। तो बस यही फीचर्स है, आप आइए। हम उम्मीद करते हैं कि ये कोर्स जो है आपके लिए उपयोगी होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम दूसरे से कुछ अलग नहीं करेंगे तो हमको अलग नंबर कैसे मिलेगा? केवल उसी तरीके से पढ़ें और उस डेट को जाके हम पीएससी का पेपर दे दें मेंस में। ऐसा करते हुए बहुत दिन हो गए, बहुत सारे अटेम्प्ट भी कई लोगों ने दे दिया है, लेकिन आपको लग रहा है कि आप कहीं कहीं मेंस में फंस रहे हैं। आपने दो बार दे चुका है लेकिन इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ, इस बार भी रिजल्ट आ चुका है लेकिन रिजल्ट में मान लीजिए फाइनली आप नहीं आ पा रहे हैं। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो जो नंबर गेन करने का जो एरिया होता है वो होता है मेंस का। तो मेंस को ही आप इतने अच्छे तरीके से कर लीजिए कि इंटरव्यू में आपकी भूमिका जो है ठीक उतना निर्णायक ना रहे, निर्णायक ना या फंसने का ना रहे। जी, मतलब ठीक है, ये ना रहे कि केवल इंटरव्यू के कारण हम बाहर बस हो बस बस, बस यही कहना चाह रहा हूँ। बस आप लोगों को यही सूचना देना है कि ये कोर्स आप लोगों के लिए, जिनको लग रहा था कि मेंस पे हमको दिक्कत हो रही है वो आइए और हमारे साथ इस मेंस क्रैश कोर्स को, जो कि गाइडेंस क्रैश कोर्स है, जो कि बिलासपुर और साथ ही साथ रायपुर में आयोजित होने वाली है, इसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम लेते हैं आपसे विदा और जल्दी से जल्दी आप इसका पार्ट जरूर बने। थैंक यू सो मच। जय हिंद। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।